हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाला हूँ 24 आवर्स ट्रेन चैलेंज। एक्चुअली मुझे ना हमेशा से चैलेंजेस बहुत पसंद है और यूट्यूब पे मैंने एक चैलेंज बहुत देखा है, 24 आवर्स चैलेंज। तो मुझे लगा 24 आवर्स क्या चैलेंज करूँ, तो आज मुझे बहुत बढ़िया दिन मिला है। हम जा रहे हैं मुंबई और मुंबई जा रहे हैं हम बाई ट्रेन। तो ट्रेन की जर्नी हमारी होने वाली है ऑलमोस्ट 32-33 आवर्स, जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा है। बट मुझे लगा है 24 आवर्स चैलेंज के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। 24 आवर्स होने के बाद ट्रेन से उतर जाओगे? नहीं, ये चैलेंज वैसे 32 आवर्स ही चलेगा, बट 24 आवर्स चैलेंज में आएगा तो आपको एक्स्ट्रा 8-9 आवर्स मिल रहे हैं। सो यस, हमारी जर्नी शुरू होती है राजपुरा जंक्शन से और जाएंगे हम दादर मुंबई। चैलेंज के साथ एक और चैलेंज है हमारे बैग। हमारे इतने सारे बैग्स हैं, 18 मम्मी ने बैग्स गिन लिए, तो चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग होएगा। छोटी-छोटी पन्नियां भी गिन ली है ना, वैसे एक्चुअल में हमारे पास 12 बैग। और हमारी वैसे आपको दिख रहा होगा कसरत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई कूली नहीं मिला, तो हमने क्या किया कि खुद ही सामान उठाकर यहाँ से, मतलब इतना लंबा उठाकर स्काई वॉक से, एस्केलेटर्स बिल्कुल नहीं उठा के। और ये बैग ना देखने में जितने छोटे लग रहे हैं ना, उतने ही बहुत भारी। एक्चुअली आपको पता है यार पहाड़ों का घी कितना फेमस है, तो मम्मी ने घी सब उठाया है। तो मम्मी को ऐसा कि हम ट्रेन से जा रहे हैं तो हम फुल लिबर्टी का फायदा उठाएंगे। ट्रेन आज की है, कितनी सुंदर लग रही है। एसी तेज करो भैया। हाँ, अर्की से राजकुमार है ना। यार इतना मजा आ रहा है, यहाँ एसी चल रहा है, क्या व्यू है बाहर। आहा, देखो तुम तो लाइफ में पहली बार कर रहे हो। नहीं, मैं आया हूँ ट्रेन से, मैं गोवा गया हूँ एक बार, बट वो टाइम पे हम कॉलेज में होते थे और स्लीपर क्लास था, मैं एसी में पहली बार बैठा हूँ। थैंक यू। लड्डू खाओ, खट्टा लड्डू। नैना अपनी चीजी नहीं खाने दे रही है हमें। अरे क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्ट ज्यादा है, मम्मी को भी है। ये क्या कर रहे हैं आज? आज जिसको हम प्यार से राजपुरा पापा। हाँ, मेरा वीडियो खराब कर दिया। अभी तो बस जर्नी शुरू हुई है, ये मस्ती चलती रहेगी और ब्लॉग आगे होता है। देख सर, अभी मैं सर्च कर रहा हूँ कि आगे वाले स्टेशन मुझे खाने को क्या मिल सकता है। खाने का कुछ नहीं देख रहा, बस यही देखा है कि आगे 42 रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाने की इसके पास ऑप्शन है। उसके बाद कह रहा है अम्बाला कैंट में मिलेगा, फिर दिल्ली में कुछ मिलेगा, बस इतना ही रिसर्च हुआ, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या फूडी होना गलत बात है यार? मुझे खाने का शौक है। बहुत अच्छी बात है नैना, और मुझे बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना भी खाना चाहिए और बाहर आकर के नए व्यंजन, नए पदार्थ खाएं, दुनिया के रस और स्वाद का पता लगता है, दुनिया की। तभी तो इस जीवन का पूरा भरपूर आनंद उठा पाएंगे। बाहर तो इतना रश है ना, बॉम्बे तक पहुँचते पता नहीं कितनी चाय। हाँ, अभी बंद करो तुम, न्यू ट्रेन के लिए बने हुए कितना खाओ के रुक ही नहीं, जब से बैठे तब से चला ही है। बहुत खुशी है ट्रेन में बैठने की, तो सोच रहा है दो दिन में सब कुछ कर देता। मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ खा लूँ कुछ रजत की कंपनी के लिए। जिस लड़की ने पिज्जा ऑर्डर करवा दिया दिल्ली में, अभी पिज्जा आएगा। किसने ऑर्डर करवाया? जिस लड़की ने। गो पैसेंजर सो चुका है मम्मी, इसमें वो बेर है, इधर जैसे होगा नहीं। मामू भी व्लॉग देखेंगे आपके, तो ये लाए तो मामू के लिए सारे नहीं है, टाइम पास नहीं हो रहा, तो हम सोच रहे हम भी कुछ करते हैं इसका उद्घाटन। ये भाई बेर है ना, कौन से? मेरी बेरी के बेर जो लास्ट व्लॉग में, एग्जैक्टली जो आपने लास्ट व्लॉग में देखी होगी, एक बूढ़ी सी दादी थी जिन्होंने हमको अपने घर से दिए थे स्पेशली, और पैकेट भी खुद ही ला के दिया। पापा के मुंह में ऐसे डालना और उनका रिएक्शन देखते हैं। बताओ क्या खाया? पापा व्लॉग देखा था हमारा पिछला?
बताओ क्या ये आप व्लॉग ही नहीं देखते? हमारे ही पापा हमारा व्लॉग नहीं देखते, हो सकता है कि आप भूल गए हो कि हमने पिछले व्लॉग में तोड़े थे, एक बूढ़ी दादी ने हमको ये दिए थे। अब बताओ क्या ये नाम भूल गया। कितनी एक्टिंग पापा सफेद पापा जीव दिखावा आप अपनी काली हो रही है धोखा दिया पापा ने हमें। पिछले आधे घंटे से ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी है आजाद नगर दिल्ली के पास ही है ये, और यहाँ सिर्फ 2 मिनट रुकनी थी, वैसे ही ट्रेन ऑलमोस्ट 2.5 घंटा डिले हो गई है। अब पता नहीं यहाँ क्यों रुकी है, तो सबको लग रहा है कि शायद ट्रेन में कुछ गड़बड़ है, अभी दूसरी ट्रेन आएगी, अभी हमें कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। पहुंच गए स्टेशन पे, 1.25 घंटे से यहाँ पर खड़ी है ट्रेन। सॉरी आपको परेशानी हो रही है यार, ये खाना लेकर पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और हम 1.25 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। एक्चुअली मैंने ये IRCTC की ही एक वेबसाइट है वहाँ से ऑर्डर किया था फूड 8:30 बजे, समझ के कि हम 8:30 बजे न्यू दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेन 8:30 बजे पहुंचनी थी, बट डिले हो गया। आई डोंट नो क्या हो रहा है, पहले से डिले चला, अभी यहाँ तो 1/2 घंटे से खड़ी है ट्रेन, 1/2 घंटे से इनफैक्ट, और सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ पर हॉल्ट था। फाइनली चल पड़ी, एक नींद पूरी कर चुके हैं कुछ लोग और हम 11:30 बजे पहुंच रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी भी नहीं पहुंचे वैसे, थैंक यू भैया। नैना मैं 1 मिनट ये छोड़ के आता हूँ। नैना पापा को उठाओ, पापा पापा खाना आ गया है, पापा खाना आ गया है। भाई साहब मजा आ रहा है, खाना खा के अब हम सोने के लिए रेडी हैं, पेट भर गया, अब नींद बढ़िया आएगी। तो इतने टाइम में तुम्हारे इस चैलेंज में क्या चीज सबसे चैलेंजिंग लगी है? चैलेंजिंग अभी तक तो ये जो चैलेंज 24 आवर्स का है ना, मुझे ये डाउट है 48 आवर्स ना बन जाए क्योंकि इतना डिले 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 हो रहा है ना, बट मजेदार था अभी तक। हाँ सबसे ज्यादा बुरा लगता है तो मुझे वॉशरूम लगते हैं, और इस डर से ना मैं खाना पीना भी कभी करती हूँ ताकि बार बार वॉशरूम में जाना पड़े। मेरे लिए एक और चैलेंज है कि ये जो ये सोने के लिए जगह है ना, ये मेरे लिए थोड़ी छोटी है, तो मेरा इतना सा पाँव तो बाहर ही रहता है इससे। पूरी पूरी आ गई है अपने अपने चैलेंज तो बोल दिया आप लोगों ने, लेकिन हाँ। मेरा चैलेंज तो अब शुरू होना है, मतलब पूरे दिन भर में बढ़िया से आराम से आई हूँ मस्ती करती पर अब मुझे पता कि सब ऐसे सोने वाले हैं ये तीनों, पर ये पूरा चैलेंज मेरे लिए कि इतना सामान है, छोटी बोतलियां बांध के लाए ये सब, वो सुबह मम्मी कोई डरे कोई उठा के ना ले जाए मम्मी का मक्खन, क्यों मम्मी का मक्खन तो ले जाए मम्मी ने जो 1 क्विंटल अपने ड्राई फ्रूट्स लाए। मेरा स्पेशल ट्रेन में आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपनी मर्जी से सामान ले जा सकूं, क्योंकि फ्लाइट में इतना सामान जाता है। मम्मी इसमें हरा धनिया मिर्च तो नहीं है ना? घर की अभी हम सो कर उठे हैं, मैं ऊपर सोया था और नैना यहाँ सोई थी, यहाँ से व्यू एंजॉय करते थे। अभी तो ज्यादा अच्छा व्यू नहीं है, बट जैसे ट्रेन चली तो मस्त व्यू आएगा। मेरे पे तो पर्दे में रहे थे, सुबह जब धूप आ रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था। पानी बोतल, चाय, शिकंजी, रबड़ी है, जीरा छाछ है, कोल्ड कॉफी है, बादाम शेक है, कोल्ड कॉफी दे दो। यहाँ ना धो नहीं सकते, ड्राई क्लीनिंग करेंगे। कपड़े तो मेरे लिए ले, अब मेरे लिए, अब मेरे लिए मैं घर की तरह यहाँ भी सबके कंबल करीब। वेलकम टू भोपाल, मेरा फोन ऑन नहीं हुआ, मेरा ब्लॉग में नहीं आ पाएगा। हमारा खाना इन सड़कों से आ रहा है, अब हम कैसे देख रहे हैं कहाँ है स्टेशन, कहाँ है, कहाँ है मेरा खाना, चढ़ गया थोड़ा पैकेट भैया। किसका ऑर्डर है भैया? सेवन कौन का? इधर इधर इधर, बाप रे। मुझे बहुत स्पाइसी लग रहा है खाना। आई गेस भोपाल के लोग काफी स्पाइसी खाना खाते हैं, सब चीजों में बहुत मिर्च है, बट हो सकता है शायद ये रेस्टोरेंट ही हो ऐसा, ये भी हो सकता है, ये डाउट हमारा भोपाल के लोग ही क्लियर कर सकते हैं। कमेंट करके बताओ कि आप स्पाइसी खाना खाते हो या नॉर्मल। मालगाड़ी के डब्बे कितने बड़े बड़े भाई, खत्म नहीं हो रहे।
इतने सारे, इतना क्या माल होता है यार। सेल ट्रेन सीने छुड़ा दिया रे, क्या डरपोक है भाई। इधर तो स्लो स्लो चलिए अभी, बट ऐसा डोंट ट्राई दिस एट होम। ये तो मैंने जैसी चलने लगी थी तो मैं आराम से गया जी। नहीं स्पीड देखो कैसे एकदम अभी बढ़ी भाई, अभी भी इतना स्लो है, कोई भी पकड़ ले। देखो पीछे पे चढ़ रहे हैं, कुछ भी मतलब। फिर अभी मैं निकला हूँ बाहर कुछ खाने का ढूंढने के लिए, पता नहीं कौन सा स्टेशन है ये, क्योंकि नैना को जो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं ना वो बहुत स्पाइसी आ रहा है, तो उसकी तकलीफ हो रही है पेट में। बट मुझे ये भी डर है कि यहाँ पर पता नहीं कैसा खाना मिलेगा यार। यहाँ तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हमने सोचा ट्रेन में ही लेते हैं। अब नैना थोड़ी देर में हमने उतर जाना है, एक बार उधर चलना, दरवाजे पे खड़ते बड़ा मजा आता है, हवा आती है। फ्लाइट नहीं ट्रेन है। चल चल प्लीज आ जा यार, बड़ा मजा आएगा। वो कॉलेज कॉलेज की मेमोरीज रिक्रिएट करेंगे। आ जा आ जा प्लीज आ जा। कितना मजा आ रहा है, हवा देख कितनी सही है। यहाँ खड़ के देखो बड़ा मजा आता है। ये क्या था, बंद ही कर दिया। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, इफ यू लाइक इट तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। हम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मुंबई पहुंचने वाले हैं, अभी हमारे पास 2-3 घंटे सोने के, तो मैं भी सो जाता हूँ। सो हम पहुंच चुके हैं हमारे फाइनल स्टेशन पे और ट्रेन खाली हो चुकी है। चल लेना, मैंने पकड़ा है हमें। तो इसी के साथ मेरा 24 आवर्स ट्रेन चैलेंज कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक इट, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने वैल्यूएबल कॉमेंट्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करो। बाय बाय।